हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर DSSB और बाकी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वकाट के आधार पर जड़ों के निम्न भागों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। इसका सही विकल्प हमको चुनना है, यानी वर्टिकल यहाँ पे सेक्शन दे रखा है हमको और पूछा है कि इनको ये जोन्स हैं, इनको अरेंज करना है, ये रूट के हैं सारे। तो पहला है मूल रोम क्षेत्र, यानी जो रूट हेयर जोन है। देन है जोन ऑफ मेरिस्टम, विभज्योतक क्षेत्र, मूल गोप क्षेत्र, परिपक्वन और दीर्घीकरण। तो सबसे पहले देखो क्या आता है कि मान लो ये एक रूट का स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा रूट कैप वाला। उसके बाद ये जो छोटा सा रीजन है ये होता है मेरिस्टमेटिक, यानी विभज्योतक क्षेत्र है ये। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये आता है इलॉन्गेशन। और फिर उसके बाद यहाँ से ये है रूट हेयर, और फिर ये जो रीजन है जहाँ पे ये रूट हेयर होंगे वो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो सबसे पहले आ जाएगा रूट कैप, मूल रोम क्षेत्र, फिर उसके बाद मेरिस्टमेटिक विभज्योतक, उसके बाद आ जाएगा इलॉन्गेशन, दीर्घीकरण ई, देखो मूल गोप आ जाएगा, ये रूट कैप जो है पहले पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। और दूसरे पर आ जाएगा विभज्योतक, मेरिस्टमेटिक, देन है दीर्घीकरण यानी इलॉन्गेशन का जो एरिया है वो आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा मूल रोम क्षेत्र जो कि रूट हेयर वाला है, और देन जो है उसके बाद आ जाएगा परिपक्वन यानी मैचुरेशन क्षेत्र। तो ये ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पी क्रम में जहाँ पुष्प अग्र अभिसारी क्रम में पार्श्व रूप में लगे होते हैं, उनमें सबसे तरुण पुष्प कलिका की स्थिति होती है। तो देखो ये जो इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे फ्लावर जो है वो लेटरली बॉर्न होते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो यंगस्ट फ्लोर और बर्ड की जो है हमको पोजीशन पूछी है। सो ये होता है रेसिमोस टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फ्लावर जो यंगर फ्लावर जो है वो अपेक्स पे होते हैं या फिर डिस्टल एंड्स पे होते हैं, तो ओल्डर फ्लावर जो है वो बेस पे आ जाते हैं, और इस टाइप का सक्सेशन जो है वो एक्रोपिटल सक्सेशन कहलाता है। इसलिए जो यंगेस्ट फ्लोर है फ्लावर है उसकी डिस्टल पोजिशन होगी, यानी दूरस्थ जो है उसकी पोजिशन होगी। यानी देखो जो ओल्डर फ्लावर्स है वो यहाँ होंगे और जो यंगर है वो इस तरफ डिस्टल जो है दूरस्थ रूप में जो है वो लगा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना मटर जैसे पौधों के परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष नहीं होता है, क्यों? सो जो ग्राम और पी है उनका उनमें जो है मेच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है। देखो ग्राम और पी जो है वो डाइकॉट प्लांट्स हैं, ठीक है, वो जो कि एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स होते हैं और ये कवर्ड सीड होते हैं। तो सीड डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो सैक में होता है। एम्ब्रियो सैक में होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो जो है उसको नरिशमेंट चाहिए होता है, जो कि उसको जो भ्रूण पोष है जो एंडोस्पर्म है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो नरिशिंग टिश्यू है सीड्स का, जो कि उनको नरिशमेंट दे रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, या तो जर्मिनेशन के पहले या जर्मिनेशन के बाद, ठीक है। तो ग्राम और पी में क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है वो जो सीड है उसके डेवलपमेंट में यूज़ हो जाता है पूरा, इसलिए जो है उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक जो है ये होते हैं। तो एंडोस्पर्म गेट यूज अप बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, बीज के विकास के दौरान जो है विकसित होने वाले भ्रूण द्वारा भ्रूण पोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसीलिए उनमें जो है भ्रूण पोष नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलजा भासी के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ मूल कहलाती है। जो रेडिकल के अलावा जो रूट्स डेवलप होती हैं प्लांट्स में, उनको हम क्या कहते हैं? देखो, जब सीड जर्मिनेट होता है तो एक तो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल, और एक होता है ये सीड है, ये इसका प्लूम्यूल है, और रेडिकल, रेडिकल से तो होगी इसकी जड़ विकसित होगी मूल, और प्लूम्यूल जो है उससे होगी उसका तना यानी स्टेम जो है वो विकसित होगी। तो ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल के अलावा डेवलप होती है उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यानी अपस्थानिक जो मूल है वो कहलाती हैं। और ये जो है इनकी जो ब्रांच होती है, जैसे कि गन्ना होता है ना, तो गन्ने के जो इंटरनोड ये हैं बीच बीच में, यहाँ जो रूट्स निकली हुई हैं वो होती है एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे बनियान ट्री है, उसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप हो रही हैं। मूसला जड़ जो टैप रूट है वो रेडिकल से जो है डेवलप होती है, और ये जो है प्राइमरी रूट्स में जो है डेवलप होती है, ठीक है। देन झकड़ा रूट्स मूल जो है, फाइब्रस रूट्स जो है ये थ्रेड लाइक ब्रांचेस होती है, बहुत महीन महीन जो है फाइबर की तरह होती हैं ये। सो ये मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, और ये मोनोकॉट्स में पाई जाती हैं। देन है नोड्यूलर यानी ग्रंथिक मूल, ये जो रूट्स होती हैं ये टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, और ये जो है डेवलप होती हैं, इनमें जो है लार्ज और स्मॉल जो है स्वेलिंग होती है, जो नोड्यूल्स होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरा विन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किसी एक विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है। वेनेशन जो है क्या डिस्क्राइब करता है? वेनेशन एक जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, तो इसमें एक तो ये पैरेलल वेनेशन हो जाएगा, और एक लीफ में जो है इस तरह से ये जो रेटिकुलेटेड वेनेशन है वो हो जाता है। वेन्स जो है वो वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम का ही पार्ट है, और ये जो है वाटर के कंडक्शन में, मिनरल और फूड के कंडक्शन में जो है ये मदद करता है, बॉडी पार्ट से जो टू एंड फ्रॉम इन द लीफ, ठीक है। ये स्पेशल अरेंजमेंट जो है वेन्स का वो कहलाता है वेनेशन। एक रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है जो कि ऐसा है जाल के जैसा, और एक पैरेलल वेनेशन होता है जैसे कि बनाना लीफ में पाया जाता है। रेटिकुलेटेड जो है वो पाया जाता है किसमें? डाइकॉट्स में। ये फलक में शिराएं तथा शिरिका जो है इसको बताती है पैटर्न को। नेक्स्ट है, आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूण पोष का निर्माण होता है, और ये भ्रूण पोष किसके बीजों में नहीं होता है? एंजियोस्पर्म में जो है ये, देखो एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म इज एबसेंट इन द सीड्स ऑफ, तो ये जो है ऑर्किड में एबसेंट होता है, ठीक है। ऑर्किड एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है। एंडोस्पर्म जो है अभी हमने आगे ऊपर पढ़ा था कि नरिशिंग टिश्यू है जो कि सीड को जो है जर्मिनेशन से पहले और बाद में जो है नरिशमेंट देता है। नेक्स्ट है, दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है? तो जो पल्सेस हैं वो किससे हैं? फेबिएसी से हैं, सारी दालें जो है इसी में आती हैं, और ये सब फैमिली ऑफ लिग्यूमिनेसी, और ये अर्ली इसको हम जो है पैपलिनियोडी कहते थे, और प्लांट्स जो कि सोर्सेज है पल्सेस का और एडिबल ऑयल्स का, पल्सेस जो है वो रिच होती हैं इन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित होने वाले बीज में इनके एक भाग में बीजांडसन जुड़ा रहता है, तो प्लेसेंटा जो है वो अटैच रहता है किसमें? डेवलपिंग सीड नियर द, तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसमें ओव्यूल जो है वो अटैच होता है ओवरी से, ठीक है। ये एक स्पेशल काइंड का अरेंजमेंट है जिसमें ओवरी जो है उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, ओवरी में होता है ये, और
सो प्लेसेंटा अटैच होता है डेवलपिंग सीड में, हीलियम में। नाभिका से ये जो है जुड़ा रहता है, ये एक स्कार होता है जो कि इट इज लोकेटेड नियर द एज, जहाँ पे सीड जो है वो ब्रेक होता है फ्रॉम द स्टाक ऑफ फिनिकुलस। बीज चोल जो कि टेस्टा है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की। और माइक्रोपाइल जो है, यानी बीजांड द्वार, ये होता है एक ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग होती है सीड कोट की, थ्रू विच वाटर जो है एंटर करता है सीड में। और चिलैजा जो है एक टिश्यू होता है जिसमें न्यू जहाँ पे न्यू न्यू सेल्स जो है एंड इंटेग्यूमेंट जो है वो ज्वाइंट रहते हैं निभाग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे में नीला रंजक प्राप्त किया जाता है? तो नीला रंजक जो है वो इंडिगोफेरा से जो है प्राप्त किया जाता है, इंडिगो जो कि नील होती है। और ये जो है इंडिगोफेरा जो है ये बिलोंग करता है टू द फैमिली फैबिएसी। और ये ब्लू जो चार रंग वाला उजाला जो आता है वो बस वही है, ये ब्लू इंडिगो डाई जो है इसे प्रोड्यूस होती है। ल्यूपिन एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। कैसिया जो है वो एक श्रब है जो कि रोड साइड पे एक उग जाती है, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट ही है ये भी। एंड ट्राइफोलियम जो है वो एक फॉडर, चारे की तरह यूज होता है, ये फॉडर है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, हमें दो जो है कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा, इनको हमें मिलाना है। ठीक है, सो ए का हो जाएगा एल्यूरॉन सतह बिना निषेचन के, देखो एल्यूरॉन सतह जो है वो न्यूट्रिशन देती है, तो ये पोषण के लिए हो जाएगी। ठीक है, अनिषेकी फल यानी जो पार्थेनो कार्पिक फ्रूट होते हैं वो बिना निषेचन के होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं ये। एल्यूरॉन सतह जो है लेयर होती है वो एक टिश्यू है जो मोनोकॉट सीड्स के सराउंड जो है रहती है ये। और ये मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकली जो है डिस्टिंक्ट होती है सीड से। और ये प्रोटीनेशियस लेयर है जो कि न्यूट्रिशन देती है और हेल्प करती है इन जर्मिनेशन। ठीक है, सो ये पोषण के लिए है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अंडक जो है वो बीज है, ओव्यूल जो है सीड है, और भ्रूणपोष जो है वो द्वि निषेचन से होता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन से होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।